असलम क्या हाल है आप सबका अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सा मान में रखे फूड स्टेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू गोश्त के कोरमे के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ जिसे मैंने मटन मटन से तैयार किया है खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये तैयार होता है कि इसमें आपको कोरमे का भी टेस्ट महसूस होगा और आलू गोश्त का भी तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ बिसमरिम आलू गोश का कुरमा बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख दिया है इसमें हम आधा कप से पौना कप तक ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर यहाँ मेरे पास दो बड़े साइज़ के प्याज़ हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है ये सारी सारी प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे और इस प्याज़ को हम लाइट गोल्डन होने तक इसके अंदर फ्राई करेंगे जैसे ही प्याज इसमें फ्राई हो जाती है और लाइट गोल्डन कलर इसमें आ जाता है तो ये सारी की सारी प्याज हम इस प्रेशर कुकर से बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी पेस्ट तैयार करनी है तो सारी प्याज को मैंने बाहर निकाल लिया है अब यहाँ कुछ गर्म मसाले की चीज़ें हैं जिसमें तेज़पात दो अदद ब्लैक कार्डमम यानी बड़ी इलायची एक अदद और इसमें दालचीनी की स्टिक है एक अदद ये डालेंगे इसमें इसके अलावा इसमें लौंग तीन से चार डालेंगे काली मिर्चें आठ से दस और जीरा एक टी स्पून ये भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए थोड़ा सा हम उसी ऑयल में जिसमें प्याज ब्राउन की थी उसी में इसको फ्राई कर लेंगे अब यहाँ मेरे पास मटन है जो कि हाफ के जी है ये सारा मटन अब हम इस गरम ऑयल में डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भी इस इन मसालों के साथ फ्राई कर लेते हैं जैसे ही ये फ्राई होता है इसका कलर चेंज होता है तो इसमें हम लहसन अदरक की पेस्ट डालेंगे दोनों एक एक टेबल स्पून है लहसुन की पेस्ट भी और अदरक की पेस्ट भी ये इसमें डाल के थोड़ा सा गोश्त के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं अब यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें नमक एक टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर है जो कि एक टेबल और हल्दी आधा आधा टी स्पून से वन फोर टी स्पून तक आप ले सकते हैं मैंने इसमें वन फोर टी स्पून ली है जबकि इसके साथ ही टमाटो पेस्ट डालेंगे दो टेबल स्पून एक बड़े साइज़ का आप टमाटर ले लें या दो टमाटर जिसको आप उसको ए, क, इसको ब्लेंडर के अंदर जो है वो ब्लेंड कर लें तो इसकी ये पेस्ट तैयार हो जाएगी ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि मसाले जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से पक जाएँ तो जैसे ही इसमें मसाले और टमाटर अच्छे तरह से इसमें पक जाएंगे तो दूसरी तरफ सॉस पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था ये सारा गर्म पानी जो तकरीबन चार गिलास है ये हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए और साथ ही इसका प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो इस पर ढक देंगे और इस पर मैं वेट लगा दूँगी तो दूसरी तरफ जबकि मटन जो है वो पक रहा है हम ऐसा करते हैं कि वो प्याज जो हमने ब्राउन प्याज बाहर निकाली थी ऑयल से फ़्राई करके इस प्याज को यहाँ मेरे पास दही है आधा प्याली इस दही के साथ हम ब्लेंडर में इसकी पेस्ट बना लेते हैं तो आप देखें कि दही के साथ ब्लेंडर में इसकी पेस्ट तैयार हो चुकी है इसको एक बाउल में बाहर निकाल लेते हैं और इस पेस्ट को अब एक तरफ फ़िलहाल रख देते हैं तो ये हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है और इस तरफ आलू गोश्त को भी चेक कर लेते हैं तकरीबन 40 से 45 मिनट में मटन बहुत ही अच्छा गल चुका है ये तैयार हो गया है लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है और आप देखें कि इसकी बोटी जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है अब हम ऐसा करते हैं कि जो प्याज हमने पेस्ट तैयार की है ये सारी की सारी पेस्ट इसमें डाल देंगे ताकि जो अब तक इसका पानी खुश्क होगा उतनी देर में ये प्याज भी इसमें पक जाए और यहाँ मेरे पास जैफिल जावित्री की पेस्ट है एक टेबल स्पून जिसमें मैंने जवेदरी की दो स्टिक्स ली थी और जो जायफल है उसका एक टुकड़ा लिया था और इसकी पेस्ट बना ली थी ताकि इसमें ज़बरदस्त किस्म की कौरमे की खुशबू आ जाए इसका डालना भी इसमें बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से तेज आँच पर अब इसको पका लेते हैं इसको कवर कर देते हैं अब अब देखें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है किनारों से इसके ऑयल निकल चुका है तो अब हम इसमें तीन अदद आलू यहाँ मैंने लिए हैं जिनको लंबाई में काट लिया है ये आलू इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें इतना पानी डालेंगे जितना कि हमें आलू गोश्त के शोरबे के लिए चाहिए कि आलू गोश का शोरबा भी बन जाए और जो आलू हैं वो भी पक जाएँ तो अब हम इसको आलू डालने के बाद दोबारा से चेक कर लेते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट में आलू भी गल चुके हैं तो आप देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये खुशबदार सा जो आलू मटन का कौरमा है ये तैयार हो रहा है और आलू जो हैं ये भी इसमें नरम हो चुके हैं अब इसमें हम जो मसाले डालेंगे यहाँ मेरे पास पिसा हुआ गर्म मसाला है जो मैंने वन फोर टी लिया है इसमें एलायची पाउडर डालेंगे चुटकी और इसके साथ ही इसके अंदर एक हरी मिर्च है जिसको बारीक काट लिया है वो इसमें डाल देंगे केवड़े के चंद कतरे आप इसमें डालेंगे ताकि अच्छी सी कौरमे की खुशबू आ जाए अब इसका ढक्कन दोबारा से ढक देंगे ताकि हम इसको दम पे लगा सकें और इसमें जो तमाम सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं उसकी खुशबू इसमें अच्छी तरह से आ जाए तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं तकरीबन पाँच मिनट तक दम पे लगाने के बाद इसको डिश आउट कर लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा आलू गोश्त का मटन में तैयार किया हुआ कौरमा है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है खुशबूदार जायकेदार जिसको आप ईद के मौके पर बनाएं दावतों में बनाएं मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब्सक्राइब के साथ बैलैकोन को ज़रूर प्रेस करें ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे